आपने बहुत सारे मेरे वो चीज़ केक देखे हैं, तो मैं आज जो है एग चीज़ केक बना रही हूँ। तो उसके लिए ये चीज़ केक वन टब है, और ये क्यूब्स में जो आता हैप्पी काउ का, ये 5 क्यूब्स लूँगी और एक टब लूँगी ये क्रीम चीज़ का है परीमा का। और इसके अलावा ये 3 एग्स हैं, ये एग्स मेरे बड़े हैं, अगर आपके छोटे स्मॉल एग हो तो आप 4 भी ले लें, 3 to 4 एग्स हैं। और ये 2 टेबल स्पून ऑफ ऑल पर्पज फ्लॉर, और ये वनीला एसेंस, और ये क्रीम है, 200 ग्राम क्रीम है। मैंने इसको, ये फ्रीज हुई हुई थी तो इसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया, 10 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया, तो ये क्रीम मैं इसमें डालूंगी। और इसके अलावा ये टब क्रीम चीज़ टब है ये, और 5 क्यूब जो डालूंगी। और शुगर है, मैंने इसको पाउडर शुगर है, इसको पीस, ये चीनी थी और इसको मैंने मैयर करके और फिर पीस लिया था, तो ये पाउडर शुगर है हाफ कप पाउडर शुगर, ये 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस, 3 to 4 एग्स। अगर ये अगर थोड़े से बड़े एग हैं तो आप ये 3 ले लें, नहीं तो फिर अगर स्मॉल एग हो तो फिर 4 ले सकते हैं। तो दिस इज, और मैंने ये केक पैन लिया है, 8 by 8 इंच का केक पैन है, उसको ग्रीस विद ऑयल एंड लाइन विद बटर पेपर, इसको करके तैयार करके रख लिया था पहले से ही, आप तैयार करके रख लें। तो अब मैं जो है, अब मैं सबसे पहले ये रूम टेम्परेचर पे थी, इससे पहले आप निकाल के रख लें ये क्रीम चीज़। तो अब मैं इसको बीट करूंगी पहले क्रीम चीज़ को, ये मैंने रूम टेम्परेचर पे रखी हुई थी क्रीम चीज़। तो सबसे पहले क्रीम चीज़, और ये इसको हटा दें, क्रीम चीज़ और शुगर को बीट करेंगे, ये एक टब था क्रीम चीज़ का और 5 क्यूब्स मैं लूंगी। एक टब था इसका, के अलावा और ये मैं हैप्पी काउ के ये क्रीम चीज के ये क्यूब्स हैं, इनको मैं 5 ले लूंगी। इसको खोलना है, यहाँ से ये आसानी से खुल जाते हैं, हाँ ये इस तरह करके, और ये 5 जो है, 5 to 6 आप ये इनके ये क्यूब्स ले लें, ये मैंने पहले से निकाल के रखे हुए थे इसलिए नरम हो गए हैं अब ये। और ये मैं जो है शुगर इसमें पहले से डाल दूंगी, मैं ये की हुई है सारी चीज़ें मैंने, ये 1/2 कप शुगर थी और ये 4 to 5 जो है क्यूब्स इसके थे, क्रीम चीज क्यूब्स थे, ये ले लें। तो यहाँ से इसका होगा खोलने का, यहाँ से खोल लें, अभी नरम हुई भी है तो वैसे ही आसानी से खुल जाती है अगर ये फ्रीज हुई भी हो तो ये। और जो है 200 ग्राम मैंने विप्ड क्रीम ली है, उसमें भी शुगर शामिल होती है तो इसलिए मैं 1/2 कप शुगर ले रही हूँ ये। ये हैंड मेरे जो है साफ है, ये थोड़ी सी वो बहुत ज्यादा वो हो गई है तो इसीलिए। ये यहाँ से ये ले लें सारे क्यूब, ये अब क्रीम चीज और शुगर को बीट करना है।
अच्छा, आप इसके अलावा दो टब भी ले सकते हैं, चाहे तो ये मैंने एक टब और ये 5 से 6 अदद क्रीम चीज़ क्यूब्स लिए थे, तो आप दो टब भी ले सकते हैं इसमें। और अब मैं बीट करूँगी शुगर और क्रीम चीज़ को। वनीला एसेंस भी डाल लें इस टाइम, मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन आपने 1 टीस्पून लेना है इसको। अब इसमें मैं 1 बाय 1 करके मैं जो है एग्स शामिल करूंगी इसमें। पहले एक अंडा, ये इससे पहले डालने से पहले आप अलग एक बाउल में निकाल लें अंडे को, ताकि वो एग जो है बाद खराब होते हैं, तो फिर उससे आप अगर उसमें डालेंगे डायरेक्ट तो फिर जो केक है वो सारा खराब हो जाएगा। ये से करके ये रूम टेम्परेचर एग से एग एंड बीट एट 1 एग एट अ टाइम एंड बीट। सेकेंड है ये इसमें बाउल में अलग से जो है। अब ये मैं दूसरा अंडा डालने लगी हूँ इसमें। ये अब दूसरा अंडा डालें और बीट करें इसको। और अब ये तीसरा अंडा, तीसरा अंडा डाल के बीट करना है। और ये 2 टेबल स्पून ऑफ ऑल पर्पज फ्लोर है ये ऐड कर देंगे इसमें। और फिर इसको बीट करने रख दूंगी मैं, फिर इसको बीट करें और फिर इसको उसमें रखें, पहले मिक्स कर लें और फिर देन बीट बीट ऐड ऑल पर्पज फ्लोर 2 टेबल स्पून एंड बीट। बीट इन मीडियम मीडियम स्पीड स्लो स्पीड। अब
एग चीज केक, थोड़ा सा इसको ऊपर से वो क्रस्ट सी आ जाती है इसमें, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्रस्ट जो है ये हो गया। और अब मैं ये शामिल करूंगी इसमें क्रीम, ये विप्ड क्रीम है, 200 ग्राम ऑफ विप्ड क्रीम, एंड एड विप क्रीम एंड बीट, इसमें भी शुगर शामिल होती है तो इसलिए मैंने जो है 1/2 कप शुगर इसमें डाली है। ये शामिल कर लेते हैं। और इसको कॉर्नर से भी इसको अच्छी तरह से इसको कर लें। अच्छी तरह से साइडों को कर लें। और ये फिर एंड देन बीट, थोड़ा सा ही पूरा क्योंकि सारी मैया की हुई होती है। ये 200 ग्राम मैंने विप क्रीम ली थी, हैवी क्रीम, आप ऑल पर्पस की क्रीम भी ले सकते हैं। तो मैंने अब हैवी क्रीम, विप क्रीम डाल के और अब इसको बीट करना है स्लो स्पीड करना है। मैंने विप क्रीम शामिल कर ली थी, शुगर शामिल कर ली थी और क्रीम चीज शामिल कर ली थी और वैनिला सॉस डाला है और 3 एग 3 से 4 एग शामिल कर लिए थे। तो अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। देखें बीट टिल क्रीमी एंड फ्लफी, और थोड़ा सा ये स्क्रैप डाउन द साइड्स, स्क्रैप डाउन द साइड्स एंड मिक्स। ये देखें अब ये बन गया है। तो केक पैन मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया था, और जो है जो ओवन भी है वो प्री हीटेड ओवन इन 180 डिग्री, उसको भी मैंने ओवन को भी और इसको सारे को, ये बबल्स जो आ रहे हैं तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी ये बबल्स कैसे दूर होंगे। ये हो गई है सारी, और अब मैं इसको जो है ये तो केक पैन इसमें मैं डाल के रख लेती हूँ और फिर इसको बेक फॉर 40 to 45 मिनट्स। इसको टैप करना है 2-3 दफा, टैप करके बबल्स आके डालना है। और फिर मैं अब 180 डिग्री पे 35 to 40 मिनट्स रख रही हूँ बेक को, बेक करने। निकालने लगी इसको, अब निकाल लेते हैं।
ये भी हो गया, ये ठंडा होगा तो फिर मैं इसको अब फ्रीजर में रखूंगी। ये अब देखें बेक हो गया है, सही निकाल लिया था मैंने। और अब ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको 5 से 6 घंटे अभी इसको फ्रीजर में रखना है, फिर मैं आपको सही काट के दिखाऊंगी कि बना है कि नहीं। अभी 5 से 6 घंटे जो है फ्रीजर में इसको, अब बेक हो गया है, अब फिर इसको ठंडा करना है, क्योंकि ये चीज़ केक है तो इसलिए इसको फ्रीजर में अभी रख दूंगी मैं 5 से 6 घंटे। तो ये अभी कूल हो जाए, ज़रा सा ठंडा हो जाए तो फिर, और फिर मैं आपको सही जब होगा फ्रीज़र से निकाल के 4-5 घंटे बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा ये इसको 3 to 4 hours हो गए हैं इसको, ये देखिए अब हो गया। मैंने तो इसे, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी निकाल लिया, तो ये आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए तो ये निकाल दिया। तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और कम से कम 5 to 6 hours या ओवरनाइट वैसे आप बेस्ट रहेगा वो रखें। और ये देखें बिल्कुल हो गया है, एक हॉट नाइफ में लेके और फिर काट के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, उससे आपकी सारी मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। एंड मस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मैं काट के अभी आपको दिखाऊंगी इसको गर्म पानी में डिप करके, और फिर मैं काट के आपको दिखाती हूँ, कट करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये इस तरह बहुत ही फ्लफी और वो है केक, ये बर्न्ड चीज़ केक वीडियो आज मैंने बनाई थी, और ये कट करके भी दिखा दिया आपको।